डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, क्या कुछ प्रस्ताव रहा है आज कैबिनेट में? देखिए, विशेष रूप से जो स्थानीय निकाय चुनाव थे उस पर जो आयोग का गठन किया गया था, आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। मामला चूंकि उच्चतम न्यायालय में है तो वहाँ से अब जो भी आदेश होगा उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चुनाव कब तक करने की उम्मीद है सर? माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है और जो भी उच्चतम न्यायालय निर्णय देगा उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपके विभाग का भी कोई प्रस्ताव? हाँ, विशेष रूप से एक अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव है जिसमें जितने भी हमारे मरीज होंगे उनका एक यूनिक आईडी नंबर हम देंगे, तो जितनी बार वो हॉस्पिटल्स जाएंगे, जो चिकित्सक उनको सलाह देंगे, दवाइयाँ लिखी जाएंगी या उनकी जो जाँच होगी सारा रिपोर्ट दर्ज रहेगा और वो एक उसके लिए एक हम संस्था के गठन का प्रस्ताव लेकर के आए। अप्रैल में हो जाएंगे सर चुनाव? अब जैसा माननीय न्यायालय निर्णय करेगा उस आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने ब्रजेश पाठक जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हम लोग इस बात का फैसला करेंगे कि कब चुनाव कराना है। हम लोग जल्दी से जल्दी चुनाव कराने की तैयारी में लगे हुए हैं। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।